तो गाइस कैसे हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अगर बाई लक कंपनी में आपको एक्सीडेंट हो जाता है काम करते भर में तो आपको कंपनी कितनी पैसे दे सकती है और कितने पैसा देती है। तो ये टॉपिक ज़रूर आपको देखना चाहिए अगर आप वर्कर कैटेगरी में काम करते हो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आए दिनों यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहता है, जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में हम लोग काम करते हैं तो उन लोगों के साथ ये घटना होते रहता है। तो जानकारी रखना बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जानकारी नहीं रखोगे तो फिर बाद में आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है इनकेस। तो इसीलिए ये सब जानकारी के लिए आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ये सब की जानकारी मिलते रहे। और ज़्यादातर दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए, बट कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है तो मैं सोचता हूँ मैं अपने वर्कर भाइयों के साथ शेयर करूँ और बताऊँ कि एग्जैक्टली इसका क्या सिस्टम है। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि अगर किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारा मैं जो रियल जानकारी वही देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जो यहाँ देखता हूँ वही अपने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलरेडी खुद मैं दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ तो यहाँ जो देखता हूँ वही आपको सुनाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अभी थोड़ा दिन पहले एक घटना, मैं भी वीडियो बनाया था इस पर कि एक वर्कर को कम से कम 50,000 इंडियन मनी 50,000 दोस्तों मिला, सॉरी 50 लाख मिला। तो वो भी क्या था, कंपनी के गलती के वजह से वो एक्सीडेंट हो गया था, बट वो वर्कर हार नहीं माना क्योंकि उसका पैर है ना कोई काम का नहीं रह गया था, पैर मतलब टूट गया था, दोनों पैर मतलब टूट गया था, कट गया था सीधा, वो पूरी लाइफ टाइम वो कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। मगर उसने कंपनियां क्या कर रही थी, थोड़ा बहुत पैसा दे करके उसका मुंह बंद कर रही थी, मगर वो हिम्मत नहीं हारा, वो कोर्ट में गया। आपको भी इस तरह का अगर बाई लक अगर ऐसा हो जाता है, अपना गलती अगर नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे साइडों पर सपोर्टिंग भी कम लगा रहता है, ऐसे ही बोलता है कि लटक के कैसे भी मार दो, दो मिनट का काम है। बाई लक अगर फोरमैन सुपरवाइज़र इंजीनियर फोर्स करके आपको काम करा रहा है तो अगर आपकी गलती नहीं है और आप अगर गिर जाते, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप इस तरह का ज़रूर कदम उठाएँ और आगे जाएँ, पुलिस स्टेशन में जाएँ, कोर्ट में यहाँ पर जाएँ और हर चीज़ बताएँ ताकि आपका जो राइट है ना वो मिल सके। राइट अगर नहीं मिलेगा दोस्तों तो आपको हक के लिए लड़ना पड़ेगा। ये भाई ने लड़ा था इसलिए इसे मिला। तो बाई लक अगर आपके साथ यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, मगर आपको अपना गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अपने खुद से गलती करोगे तो फिर आपको बहुत मतलब उतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हर जगह का सेफ्टी का रूल अलग होता है। कहीं पर सेफ्टी का, आप लोग भी साइड पर काम करते हो आपको मालूम है कि कहीं पर बोलता है कि कोई सेफ्टी नहीं है, छोड़ो खली बल्ली और कैसे भी मार दो, और बहुत साइडों पे ऐसे क्या है, जो भी प्रोफेशनल कंपनी है, बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, उसमें सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जाना है तो सेफ्टी बेल्ट लगा के जाना है और प्रॉपर सपोल्डिंग होना चाहिए, सपोल्डिंग में टैग होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा दिन पहले अबू धाबी में गवर्नमेंट ने मीटिंग किया और सभी वर्करों को अवेयरनेस के लिए बहुत जगह पे कैंप लगाया और बताया कि अगर हाइट पर आप काम करते हो तो ये चीज़ तरीका अपनाना, क्योंकि थोड़ा दिन पहले एक्सीडेंट का जो भी केस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो जैसा वो वर्कर किया दोस्तों, वो वर्कर को अभी तो 50 लाख मिल गया, तो कम से कम वो अगर नहीं भी कमाए बैंक में रख दे तो 25-30-40 हज़ार रुपया उसको महीने का आएगा, तो उसका ज़िंदगी चल सकता है। मगर बहुत सारे ऐसे वर्कर को मैं यहाँ पे देखा हूँ कि उन लोग के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, 2-4-5 हज़ार देकर कंपनी मुँह बंद करा के सीधा घर पर जल्दी जल्दी भेज देती है। तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना, आपका हक की लड़ाई के लिए आप खुद लड़ना है, ठीक है। नहीं लड़ोगे तो फिर आप मुश्किल में फंस सकते हो। हाँ, नई जानकारी है, लोगों से पूछो, राय लो, जब तक नहीं दूसरे से पूछोगे, बात करोगे, तभी आपको नॉलेज बढ़ेगा। आप अपने मन में सोचते रहोगे, अपने मन में किसी से बात नहीं करोगे दोस्तों, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। लोगों से पूछना पड़ता है, नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है, इस टाइप पर वीडियो भी देखना पड़ता है, आपको हर चीज़ देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जस्ट ये नॉलेज के लिए आपको शेयर किया दोस्तों कि बाई लक आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का गवर्नमेंट हर वर्कर के साथ है और कंपनी के साथ है, जिसका गलती रहेगा उसी को इसका मतलब सज़ा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वो लोग अगर आपके साथ ऐसे, तो वो लोग का टीम जाता है वहाँ पे, सेफ्टी का प्रॉपर रूल देखता है, वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर कौन था, फोरमैन था कि नहीं, इंजीनियर था कि नहीं, इतने हाइट पे बगैर सेफ्टी बेल्ट काम करने जाने क्यों दिया, ये सब चीज़ चेक करता है। उनका केस में भी ऐसा ही हुआ, जब पाया गया कि सेफ्टी ऑफिसर कोई वहाँ पर नहीं था, सुपरवाइज़र भी नहीं था, तब कंपनी को लास्ट में उतना पैसा देना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों, आप कहीं भी रहें सेफ से काम करें और हाइट पर जाएं तो सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा कर जाएं, नहीं तो क्यों, पैसा तो मिलेगा और छोड़ो, बट बॉडी हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है, बॉडी से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, बॉडी सेफ रहेगा तो बहुत सारा पैसा हम लोग कमा सकते हैं।
यही अपडेट शेयर करना था दोस्तों, और जस्ट अपने वर्कर भाइयों के लिए नॉलेज दिया। और जो भी कन्फ्यूजन होगा, चलता वीडियो में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।